नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पीएम मोदी के मन की बात का जो 100वां एपिसोड था, उसे बिहार बीजेपी ने गर्मजोशी से सुना। अब देखिए, इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर सम्राट चौधरी पर निशाना साधा, या यूं कहें कि बीजेपी पर निशाना साधा। वो क्या कुछ ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं वो हम आपको बता दें। तो उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं, पूरे गोदी मीडिया से उसका ढिंढोरा भी पिटवा रहे हैं, लेकिन उनके मन से देश की ज्वलंत समस्याएं, जिससे आज देश जूझ रहा है, उसे देश को निजात दिलाने की बात उनके मन में है या नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण और 81,000 करोड़ का कॉरपोरेट घोटाला जैसे मुद्दों पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मनन करें और मन की बात के रूप में प्रकट करें। तो देखिए, तो इस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जिस तरीके से पीएम मोदी की मन की बात हो रही थी, 100वां संस्करण जो है वो चल रहा था, हर जगह कार्यक्रम जो है वो भी चलाए जा रहे थे, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग जो है वो सुन रहे थे और पीएम मोदी जो है इस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे थे, और वहीं कहीं ना कहीं जनता के बीच सीधा कनेक्ट करने की कोशिश भी हो रही थी। और वहीं बता दें कि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी मन की बात जो है उसका कार्यक्रम हुआ। वहां पर खुद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी वहां मौजूद हैं, और वहीं फोटो जो है वो उपयोग करते हुए ललन सिंह ने ट्वीट किया है और इस तरीके से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से मन की बात की 100वें एपिसोड हुआ, बिहार में बीजेपी ने गर्मजोशी से सुना है और इसको लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन ने विरोध भी जताया था। जी हाँ, साफ तौर से इसको लेकर कहा जा रहा था कि पीएम मोदी जी मन की बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब जनता की बात अब कब करेंगे, उनकी जो समस्या है उसको आप कब सुनेंगे। और वहीं वो कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ें जो हैं, जो समस्याएं लोगों के बीच में आ रही है, उसका निदान आप कब करेंगे। और ऐसे महागठबंधन की तरफ से केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा था। और अभी आपको बता दें कि ऐसे जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, जब वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं बीजेपी पर निशाना साधने का, या यूं कहें केंद्र सरकार पर निशाना साधने का, और अक्सर उनको लेकर उन पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर ही आते हैं। तो देखें, और एक बार फिर से पीएम मोदी की जो मन की बात का जो 100वां संस्करण चल रहा था, जिसको पूरे बिहार भर में प्रकाशित किया गया, या यूं कहें पूरे देश भर में प्रकाशित किया गया, और कई लोग भी मौजूद रहे पीएम मोदी की मन की बात सुने, और उसी को लेकर अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया कि आपने मन की बात तो कर दी, वो सब ठीक है, लेकिन देश में जो ज्वलंत समस्या है, उससे जो देश आज जूझ रहा है, आप उसका निदान कब करेंगे, लोगों की समस्याओं का निदान कब करेंगे। तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।